असल में सबको ये लग रहा होगा कि आप लोग सिर्फ पैसे भी मोबाइल में लगे, वो भी मोबाइल में लगे और चॉकलेट खा रहे हैं। करने होते बारकोड शेयर कर देती मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे, न जाने ऐसे लोग कितनी मदद कर देते। लेकिन हमारा अभी मेन चीज का तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता और वो लोग सीधे अपने बचपन के एहसान गिना देते हैं। अब कल को विवान मेरा मन कर रहा था तहरी शहरी खाने का। अच्छा हाथ सेकना चाह रहे वैसे दूर से। जॉनी जॉनी सुनो, स्नेक कैसे चलता है? कैसे चलता है स्नेक? चलता है। कैसे चलता है स्नेक? क्या करता है मां? स्नेक स्नेक तुम्हारी नोजी पे चोट लग गई भाई। सुबह का बज रहा है 6। उस्ताद की ये तबीयत खराब, उठ चुके हैं सुबह। हेलो गाइस कर रहे हैं, क्या हो गया डैडी? नोजी पे चोट लग गई, बताओ क्या हो गया, बताओ। डैडी शीशे में दिखाएंगे। शीशे में दिखाए? कह रहे शीशे में दिखाएंगे क्या हुआ है। दिखाओ शीशे में देख क्या। अच्छा मेरे ऊपर आता है, शीशे में देखा क्या हुआ है। मम्मी पानी चाहिए मुझे। पानी चाहिए? डैडी से ले लो। मम्मी पानी आओ। पानी ले आओ, डुड्डू भी ले आओ आपके लिए। मम्मी पानी आओ मां। अच्छा ठीक है जा रही हूं। बहुत देर से उठाना चाह रहे हैं किसी न किसी बहाने से चीनू को। नहीं आप मत, फाइनली उठा ही दिया। टाइगर है और ये देखो ठंड में जाएगा एकदम से, तो समझ रहे हो? जाओगे रेडी? हाँ। ठंड हो रही है रेडी, मत जाओ रेडी। रेडी बाहर टाइगर भी बैठा है। ऐसे माथा पीट रहे हैं। हाँ। दिखाना कैसे करते हो। हवा डाल गया रहने दो भी, वो यहीं डैडी पाल लेटो। नहीं ले जा ले जा। क्या हो रहा है? ना 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 गरम है वो डैडी, गरम हो रहा है डैडी। अच्छा हाथ सेकना चाह रहे हैं वैसे दूर से। नो 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 शीनू पास में से आग से हाथ सेकना चाह रहा है चुल्ले में। मम्मी मम्मी मैं करेंगे मम्मी। नहीं गरम हो पता मत चले मम्मा। मम्मी मैं करेंगे आग का लागी चलाऊंगी नीच बाहर बाहर तभी बॉनफायर करेंगे अपन न्यू ईयर पे। बॉनफायर न्यू ईयर पे ठीक है। हाँ लकड़ी ले आएंगे तभी लकड़ियां जलाएंगे फिर पार्टी करेंगे बाहर बैठ के। ओके पार्टी हैप्पी न्यू ईयर। कैसे करोगे बोलो? हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। क्या को हो गया? वो क्या क्या वो क्या है? ग्लव्स देख रहे हैं अपने। ओ मम्मा देगी लागे। मम्मा को आवाज दो। नहीं है ना, तभी तो कह रहे हैं मम्मा को आवाज दो। अभी नहा धो के बैठे हैं, तैयार हो गई है। बुखार आ गया है बहुत, नाक बह रही है तो कैमरे में देखना ही नहीं चाह रहे हैं, नाक छिली पड़ी है। हम ग्लव्स सीधे कर रहे हैं, कह रहे हैं ग्लव्स पहना दो मुझे। तो गाइज साक्षी मिश्रा लग चुकी हैं अपने काम में, अपने पति की सेवा में। और सेवा क्या है भाई, मेरा मन कर रहा था तहरी शहरी खाने का क्योंकि सो सो के उठे हैं, मतलब सुबह उठ गए थे। फिर मैं चला गया था भटूरे शटूरे खाने, छोटा भाई आया हुआ था उसके साथ। फिर मैंने साक्षी से कहा कि भाई तहरी बना लो, तो तहरी की जो मेन पार्ट होता है उसकी प्रिपरेशन चल रही है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैं दिखा भी देता हूँ। हेलो गाइस, राम राम करो भाई। राम राम।
देखिए गाइस प्रिपरेशन चल रही है, बेहतरीन सी सब्जी मिलेगी खाने को, सॉरी चटनी सब्जी कह रहा हूँ। अभी साक्षी मिश्रा पता नहीं क्या गुस्से में एक बात बोल रही थी, पता नहीं क्या कि वो माँ बाप पैदा कर देते हैं, क्या कह रही थी, ब्लॉग बनाऊंगी उसका। माँ बाप पैदा कर देते हैं फिर उसके बाद मतलब एग्जांपल तुम्हारे फादर तुम्हें आसानी से सिखाते हैं। हाँ, समझ गया आपके कहने में। अगर तो मतलब माँ बाप अगर कुछ गलत करते हैं तो बच्चे अगर विरोध कर देते हैं उस चीज का तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता, और वो लोग सीधे अपने बचपन के एहसान गिना देते हैं। अब कल को विवान बड़ा होगा हमारी, उसे कोई भी चीज बुरी लगेगी तो वो हमें टोकेगा कि नहीं मम्मी पापा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसकी बात को काट के उसके एहसान गिनाएंगे, नहीं तू बचपन में हमने तुझे ये दिलाया, बचपन में हमने तेरे साथ ये किया, ऐसा नहीं होता है भाई। जब माँ बाप गलत करते हैं और बच्चे को लग रहा होता है कि मेरे माँ बाप गलत कर रहे हैं तो बच्चा टोक सकता है। तो गाइस साक्षी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि भाई जो बच्चे होते हैं जो माँ बाप की लाइफ का एक पार्ट होते हैं है ना, कि भाई बच्चे थोड़ी कहते हैं कि लाओ हमें इस दुनिया में लेके आओ हमें पैदा करो, वो तो आप लोग की स्वेच्छा से बच्चे इस दुनिया में आते हैं है ना, तो थोड़ा सा एहसान उसान ना गिनाया करें। स्पेशली मेरे फादर साहब बहुत उनके अंदर ही आदत है, ओ भगवान मेरा खड़ा करा हुआ है, ये मेरा करा हुआ है, वो करा हुआ है। तो भाई हर आदमी अपनी लाइफ में अच्छा मुकाम चाहता है, ठीक है, तो फादर साहब कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं करा, ये सब करके सब करते हैं, ठीक है ना। नहीं बताया तो यो हमने अपने पिताजी के मुंह से ये सब नहीं सुना, क्या दसियों मकान खड़े कर दिए, लेकिन मतलब कभी भी कोई बात होती थी तो वो इस तरह नहीं कहते थे मैंने इतने मकान बना खड़े कर दिए ये तुम्हारे लिए, तो कभी इस तरह नहीं, ये सब नहीं। नहीं नहीं बात सही है, ये सब खामखा जो क्या बोलूं छोड़िए। गाइस तैयारी लग गई चटनी, ये इधर वाली प्लेट एक छोटा भाई है उसकी है, ये हमारी है हम दोनों की, मेरी और अभी की। यम्मी गाइस पूरी प्रिपरेशन मतलब साक्षी मिश्रा ने ये मटर छीली, मतलब मटर भाई ने छीली हमारे कोई भी आता उसे काम करवा लेते, जो आता उससे काम करा लेते वो मतलब सब्जी उब्जी इन्होंने काट के नहीं बनाई मैंने, अब ओवरऑल जो धनिया पाउडर होता है मैं आपको बता दूं वो कम था, थोड़ा सा रह गया था तो मैंने कुछ और मसाला यूज करा है इसमें, ठीक है ना। अगर देखते हैं कैसी बनी है, फिलहाल देखने में तो अच्छी लग रही है, घी भी पड़ चुका है भरपूर मात्रा में, बाकी अब खा के देखते हैं बताते हैं कैसी बनी है। अगर किसी को एंजॉय करनी हो मेरे हाथ की तैयारी तो आ सकता है बिल्कुल। हेलो गाइस, हेलो गाइस की आज तबीयत खराब है, हेलो गाइस, हेलो गाइस कह दो गाइस। अभी इसने मुझे एक बात बताई, रोटी खाते खाते मुझे हंसी आ गई, ये ही बताएगी अपने मुझे क्या हुआ था बताना जरा। हमारे गांव के एक प्रधान जी थे, मतलब अभी जिंदा है बरतौल के तो उनको ना गाइस पाइल्स की बीमारी हो गई बवासीर, मतलब मजाक नहीं लाना चाहिए लेकिन हंसी आ गई उस बात पे क्योंकि बचपन में सुनी थी हमने ये वाली बात, तो हंस देते थे। तो किसी ने उनसे कही कि पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, डीजल की फुरेरी तो उनने थोड़ी सी रुई में लो डीजल और लगा लो 3 घंटा नदी में बैठे आराम से, बताओ समझ में नहीं आई, 3 फुरेरी लगा ली, किसी ने कह दी कि डीजल लगा लो बवासीर पे और ने लगा ली और 3 घंटा वो आदमी नदी में खड़ा रहा बेचारा। डॉक्टर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बहुत डांटा कि किसने तुम्हें ये राय दे दी बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं दे दी तो गाइस आज मैंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि बरेली वाले डीएम करें जिनका न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं है पार्टी वार्टी का, मतलब जो घर में रहना घर में रहते हो मतलब ज्यादा सोशल ना हो। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि हम हैं हमारा कोई प्लान नहीं है, तो मैंने एक उनको मैसेज किया कि एक ग्रुप बनाया है द सोशल बटरफ्लाइज करके, न्यू ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो रोड साइड बच्चे होते हैं रोड साइड जो फैमिलीज होती हैं उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो मैंने बोला कि 1000 रुपये पर पर्सन कॉन्ट्री कर रहे हैं हम, और उनका जो भी पैसे हम कलेक्ट करेंगे उनका खाने के पैकेट हम लोग बनवाएंगे जो भी जिस तरह से हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज जैसे ही मैंने किया वैसे ही सीन करके छोड़ दिया, आधे लोगों ने ये बोल दिया कि हम बस आ जाएंगे, तो मैंने कहा हम बस इंजॉय कर लेंगे हम, तो मैंने कहा आप ऐसे ही जाके इंजॉय कर सकते हैं, डोंट वरी आप ऐसे चले जाइए। और मैं एक चीज लोगों को लग रहा होगा कि
पता नहीं पैसे वैसे तो नहीं कलेक्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि जो पैसे देगा वो वहां पर मौजूद होगा, वो अपनी आंखों से चीजें देखे, अपने अपने हाथों से लोगों को दे कि भाई हमारा ये मतलब हम इस तरह मदद कर रहे हैं। तो मेरा ये है, पैसे ही कलेक्ट करने होते बारकोड शेयर कर देती मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे, न जाने ऐसे लोग कितनी मदद कर देते। लेकिन हमारा अभी मेन यही है कि सिर्फ बरेली के लोग हमें चाहिए जो मौजूद हो सके हमारे साथ और हमारे साथ मदद कर सकें लोगों की। और भाई देखिए होटल्स में पार्टी और बढ़िया खाना पीना देखो सब लोग कर लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि हम भी कोई ऐसा बिग फैम मतलब ऐसी कोई हमारा बिग फैमिली नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो धीरे 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 करके टीम बनाएंगे और धीरे धीरे करके बड़ी होगी टीम, तो वैसे वैसे चीज़ें और अच्छी अच्छी होती जाएंगी। तो बस मेरा यही मोटिव है कि जो पैसे देगा वो वहाँ पर मौजूद होगा, ये नहीं है कि सिर्फ पैसे डाल दिए कि हाँ ठीक है आप हमारी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए पैसे ले लीजिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, आप बिल्कुल आइए वहां पर और हमारे साथ सामान बांटिए, जिस तरह हम काम करेंगे उस तरह आप काम करिए। एक घंटा अगर एक घंटा भी मुश्किल से लगेगा, एक घंटा अगर आप 24 घंटे में से एक घंटा उन लोगों के लिए निकाल लेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। बाकी लोगों ने तो सीन करके मैसेज छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप सबकी अपनी अपनी सोच है। चलिए उनकी फ्रेंड आइए, दीदी आइए, बीमारी हेलो कर दो, हेलो हिमा हेलो कर दो, हेलो हेलो। लेकिन दोनों लगे हैं मोबाइल में, जे भी मोबाइल में लगे हैं, वो भी मोबाइल में लगे हैं, तो चॉकलेट खा रहे हैं। गाइस मेहमान आए हैं, समोसे संग लाए हैं। मानसी आई है और भाई आए हैं, मतलब मानसी के हस्बैंड बोले वो तो ठंड में जाएंगे नहीं, हम भी चल रहे हैं। तो इन लोगों ने थोड़ा हम लोगों पे मेहरबानी करी, संग में लेकर के आए खाने पीने का आइटम कि भैया भाभी को जाना ना पड़ेगा ये पे। ठंड में जाना अच्छा नहीं लगता है ना, बिल्कुल भी। साथ में तो गाइस ये लोग की कल के सिर्फ कल का जो है इन लोग का फाइनल जो भी हुआ है डिसाइड सोशल कॉज या जैसे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का इन लोगों ने डिसाइड करा है, उस टीम की एक मेंबर है मानसी। बाकी के सब लोग आपको कल ही मिलेंगे, ठीक है ना। मानसी ने भी बहुत लोग को मैसेज कराई हो यो। हाँ क्या हुआ ना, होता है कोई मतलब मैं क्या बताऊँ, सब वैसे सीन कर करके बैठ गए, मतलब हमें खुद को बेइज्जती लग रही थी कि हमने उनसे कही। असल में सबको ये लग रहा होगा कि आप लोग सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप उन्हें ये समझाते ना दोनों लोग कि मतलब आपको आना भी है और मतलब जो भी आप 1000 रुपीज देंगे, नहीं कुछ तो अच्छे थे उन्होंने करा भी है 100-200 जो भी करे हैं, लेकिन कुछ ने तो बिल्कुल भैया सीन करके बैठ गए, कुछ बहाने बना देते कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में कोई मुसीबत है। मैं इतनी बेइज्जती लगी कसम से, आगे से तो मैं सतर्क हो गई हूँ। बोले हमारे घर में कोई मुसीबत है, अरे कुछ भी बहाने बना देते। हाँ कि घर वालों के साथ मनाएंगे, सही बात है न्यू ईयर। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, बाकी कल मिलते हैं। कल वाला ब्लॉग प्लीज आप लोग देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जो भी होगा कल होगा। अभी कुछ ऐसा फाइनलाइज नहीं करा इन लोगों ने, लेकिन यह है कि अभी सब फाइनल हो जाएगा आज ही आज में, ठीक है गाइस। ओके बाय बाय।